गाइज वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्लोरियस शिल्पी। और करवा आ गया है नज़दीक, तो बहुत सारे काम स्टार्ट हो गए हैं करने को। तो आज मैं आई हूँ पार्लर और मैं कराने वाली हूँ वैक्स, एंड फिर मैं नेक्स्ट डे जाने वाली हूँ मेहंदी लगवाने, जिसका अपडेट भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेकअप शेकअप का टाइम शुरू हो गया है क्योंकि ये मेरा फेवरेट फेस्टिव है, तो इसमें बहुत सारा गिफ्ट भी मिलता है और बहुत सारा आपको तैयार होने को भी मिलता है। तो मिलते हैं, वैक्सिंग कर लेती हूँ और वो भी आपको दिखाती हूँ कि पेन होता है या नहीं होता। फाइनली मैंने जंग जीत ली और मैंने वैक्स वगैरह करा लिया है और अपर लिप्स वगैरह भी करा लिया है। सारा मतलब जितना भी वैक्स का प्रोसेस था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है और कल मैं कराने आऊँगी फेशियल। और कौन सा कराऊँगी अभी तो इसके बारे में मैंने कुछ भी नहीं सोचा, पर हाँ अगर फेशियल कराने आऊँगी तो उसका व्लॉग शायद मैं ना बना पाऊँ क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ उस टाइम। और मेहंदी लगवाने जाऊंगी तो उसका ब्लॉग ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। मेहंदी काफ़ी दूर मतलब जाके लगवा रही हूँ क्योंकि जो मेरे एरिया है वहाँ पर जो मेहंदी लगाने स्ट्रीट एरिया में जो भी मेहंदी लगाते हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं, तो मैं घर में जाके मेहंदी लगवाने वाली हूँ तो वहाँ पर भी आपको लेकर चल दूंगी। अभी तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ घर और काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी हल्का हल्का लग रहा है वैक्स वगैरह करा के। तो मिलते हैं मेहंदी के टाइम पे, तब तक के लिए बाय। इस करवा के प्री मेकअप की तैयारी चल रही है और वैक्स वगैरह मैंने करवा लिया था, मैनीक्योर पेडीक्योर भी हो गया है और यहाँ पर मैं खुद ही फेशियल करने जा रही हूँ बिकॉज इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं बाहर जाऊँ। बस मैं बाहर जाऊँगी मेहंदी लगवाने के लिए अभी, तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का गोल्ड का फेशियल। डरिए नहीं गाइस, मैंने फेस पे पैक लगाया हुआ है बिकॉज मैं आज बाहर जाकर फेशियल नहीं करवा पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा काम थे, बट मैं मेहंदी लगवाने भी बाहर जाऊँगी। और मैंने जो फेशियल आज यूज़ किया है वो है गुड वाइब्स का गोल्ड फेशियल, काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देता है आपके फेस को और मतलब मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है ये फेशियल। तो आप देख सकते हैं मुझे कितना पसंद है कि मैं इसे ऑर्डर पे नहीं लगा पाई थी, इसलिए मैंने इसे काट के इसके अंदर से इसे निकाल के इसे यूज़ किया है। मुझे ये इतना ज़्यादा पसंद है। और फेशियल कराने से क्या फ़ायदा होता है कि आप जब मेकअप करेंगे ना तो वो जो मेकअप है ना वो ईज़िली आपके फेस पे पूरा फैल जाता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आपकी स्किन हो जाती है, अंदर से ग्लो निकलता है आपके फेस से। तो जब भी कभी आप कोई ओकेज़न पे जाना चाहें और आप मेकअप कराते हैं तो फेशियल आप फर्स्टली ज़रूर लें, उससे आपका स्किन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो मैं तो अभी करवा के लिए 2 से 3 बार ही मैंने फेशियल कर लिया है, कर नहीं लिया, 2 बार करवाया और 1 बार अब की मैंने खुद से फेशियल किया है। और आप भी ज़रूर करवाएं। इसमें ये जो गुड वाइब्स का फेशियल है ये गोल्ड फेशियल है, तो इसमें 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में क्लिंजर है, 2nd स्टेप में स्क्रब है, 3rd स्टेप में मसाज क्रीम है एंड 4th स्टेप में पैक है। तो मेरा फेशियल कंप्लीट हो गया है, मैंने फेस पैक कर लिया है अब और मैनीक्योर पेडीक्योर भी मैंने करवा लिया है। और बस करवा के पहले की जितनी प्रिपरेशन होती है मेकअप की उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हो गई, बस मेहंदी बाकी है। तो मैं मेहंदी में आपको लेकर चलती हूँ कि मैं कहाँ पर मेहंदी लगवाती हूँ और वीडियो को मैं आज ही अपलोड कर दूँगी विदाउट एडिटिंग क्योंकि इतना टाइम नहीं है और करवा क्योंकि आ ही गया है बिल्कुल, तो ये वीडियो आज आपको मिल जाना चाहिए, इसलिए मैं विदाउट एडिटिंग आपको इसे अपलोड कर दूँगी। तो चलते हैं मेहंदी लगवाने।
फ्रेंड्स मेरी मेहंदी लगना स्टार्ट हो गई है करवा की, और मैं यहाँ पर सर्कल वाली मेहंदी लगवा रही हूँ। बहुत सुंदर मेहंदी लगा रही है, और जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं आप इसे दिखाती हूँ। मैंने जल्दी दिखा दिया क्योंकि फिर दूसरे हाथ में लग जाएगी तो मैं मोबाइल कैसे पकड़ूँगी, तो इसलिए मैंने आपको अभी से ही दिखाना शुरू कर दिया है। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरी मेहंदी लग गई है। बताइएगा मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। और बस थोड़ा थोड़ा सा कहीं से बहुत दूर से आ रही हूँ तो ये सारा छूट गया, तो मैं इसे फिर से फिल करने वाली हूँ। और इस पर मेरे हबी का नाम नहीं लिखा तो मैं खुद से ही उनका नाम लिख लूँगी और देखते हैं कैसी रचती है। तो मिलते हैं कल करवा पे, और हैप्पी करवा चौथ। बाय।